दोस्तों पबजी बैन होने वाला है इंडिया में, ये खबर तो आप सुन चुके होंगे। अभी पक्की नहीं हुई लेकिन ये दिन शायद दूर नहीं कि हम ये नारे लगा रहे हों रोडों पर। तो गाइस क्या पबजी सही में बैन होने वाला है इंडिया में? और अगर नहीं होगा तो उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों बच सकता है पबजी बैन होने से, और हमारी गवर्नमेंट चाइनीज ऐप्स को ही क्यों टारगेट कर रही है उसके पीछे का रीजन ही बताऊंगा। हाँ, एक रीजन है कि भाई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मगर एक मेजर रीजन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस गवर्नमेंट ने 200 प्लस ऐप्स की एक और लिस्ट निकाली है जो चाइनीज ऐप्स हैं, इनमें से 47 अभी बैन कर दिए गए हैं। लेकिन इस बार तो भाई गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनीज को नहीं छोड़ा, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस भी उसमें डाल दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इन्हीं 200 ऐप्स में हमारा पबजी भी आ जाता है, जिसकी वजह से यूथ काफी डिप्रेशन में जा चुकी है इस न्यूज को सुन के कि पबजी बैन होने का हो रहा है और हम सबका ये हाल है। ये मत करो आप, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। हाँ जी नहीं सर, सर ये नहीं होना, तू कर रहा है क्या? होने नहीं दोगे मतलब क्या सर? तो गाइस अभी 47 ऐप्स बैन हुए थे, उसमें से जो हागो लाइट, वीगो लाइट, जो लाइट वर्जन वाले ऐप थे, तो इनको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब बात आती है कि भाई पबजी क्यों इस लिस्ट में आ गया, तो उसका मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो गाइस पबजी डेवलप करा है ब्लू होल कंपनी ने, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है वो ओन करती है पबजी को। लेकिन जब पबजी ने एंटर करा था चाइनीज मार्केट में, तो चाइना ने भाई कह दिया था कि भाई हमारी यूथ डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो हमारे इधर वायलेंस प्रमोट कर दोगे, इसलिए चाइना ने दिमाग चलाया, उन्होंने कहा भाई आप टेंसेंट को 10% ओनरशिप दे दो तो आप भाई अपना गेम चला लेना। इसलिए 10% जो ओनरशिप है ब्लू होल कंपनी की वो टेंसेंट के पास है, तो एक ये कोलैबोरेशन ही हो गई दो कंपनीज की पबजी के लिए। तो जो टेंसेंट का काम था वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का था, इसीलिए पबजी के अंदर भी चाइना का थोड़ा सा हाथ आ गया है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट को टेंसेंट से डेटा चाहिए होगा तो शायद टेंसेंट को देना पड़े, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत ओनरशिप तो उसके पास भी है पबजी की। तो गाइस अब बात करते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास डेटा चले जाए इससे क्यों इतना लोग डर रहे हैं और प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज उठाए जा रहे हैं। तो मेन रीजन जो है जिसकी वजह से ये ऐप्स बैन किए गए हैं वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का है। तो गाइस हमारा डेटा तो इन कंपनीज के पास चले गया, लेकिन अब खतरा कहाँ आता है? खतरा आ चुका था 2017 में, जब चाइना ने एक लॉ पास किया था। इस लॉ में ये है कि हर कंपनी को एग्री करना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, कि अगर उनको उनके यूजर्स का डेटा चाहिए होगा गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए तो उनको वो देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए टिकटॉक से चाइनीज गवर्नमेंट डेटा मांगती है तो टिकटॉक को वो डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एक लॉ है और चाइनीज कंपनी है तो चाइनीज गवर्नमेंट के लॉ को मानना पड़ेगा। और चाइनीज गवर्नमेंट भाई बहुत स्ट्रिक्ट है अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता है तो भाई यहाँ से तो ये लगता है कि चाइना को डेटा देना पड़ेगा इन कंपनीज को। और अगर हम बात करें कि पबजी के सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में, तो अगर आप परमिशंस चेक करेंगे तो खास कुछ है नहीं, तो इतनी खास परमिशंस ले नहीं रहा पबजी हमसे, तो मुझे लगता है कि इतना कोई खास सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यू नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि यार पबजी शायद बैन ना हो क्योंकि जो मेजर ओनरशिप है वो ब्लू होल कंपनी के पास है, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है। अब गवर्नमेंट शायद बैन कर दे ये सोचकर कि भाई बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, सारे पढ़ते नहीं है, वैसे ही स्कूल नहीं चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए बैन कर दे पबजी। तो मेरे ओपिनियन, मुझे कुछ ऐसा खास इशू नहीं दिखा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पबजी को लेकर। तो क्या अभी मैंने पबजी खोलकर देखा तो वहाँ पर यूजर पॉलिसी अपडेट का ऑप्शन आया था इंडियन यूजर्स के लिए, तो आप देख सकते हो पबजी कितना बड़ा डर गया कि बस ऐप का नाम आया ही था लिस्ट में बैन भी नहीं हुआ। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है कि हमारे इंडियन यूजर्स की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया यहाँ पर पबजी ने, और ये अपडेट आ गई तो अब शायद और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि ये बैन ना हो। तो गाइस अभी भी गर्दन पे छुरी रखी हुई है, सर पे बंदूक रखी हुई है पबजी के। अब देखते हैं आगे क्या करती है गवर्नमेंट, क्या डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट वाले। मुझे ये लगता है कि शायद बैन ना हो, बहुत हायर चांसेस है कि बैन ना हो, पर देखते हैं आगे होता क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सॉरी कि यार इतनी लेट वीडियो आई मेरी, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि यार जल्दी डाल दूँ, अपसेट जल्दी आएंगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।